तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, ये OnePlus का बजट फोन और OnePlus का फ्लैगशिप फोन में डिफरेंस क्या है। अरे देख, बेसिकली OnePlus का बजट और OnePlus का फ्लैगशिप फोन में फर्क क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, चलो सबको बताते हैं भाई। आंसर तो बताते जा। तो गाइस, OnePlus एक प्रीमियम स्मार्टफोन मेकर कंपनी है और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अगर एप्पल के बाद एंड्रॉइड के अंदर कोई पॉपुलर कंपनी है तो वो OnePlus जानी जाती है। OnePlus का एक अलग ही फील है मार्केट के अंदर। लेकिन बात करते हैं, कुछ सालों से OnePlus अपने नए नए सेगमेंट के फोन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बजट के अंदर, मिड रेंज के अंदर। लेकिन वेट, जैसा कि मेरे फ्रेंड ने पूछा फर्क क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या फर्क आपको देखने मिलता है OnePlus के एक बजट फोन और OnePlus के एक फ्लैगशिप फोन्स में। मतलब जहां पे एक स्मार्टफोन कंपनी 60,000 का फोन बनाता था, अब वही स्मार्टफोन कंपनी 25,000 का, 24,000 का फोन बना रहा है। फर्क तो फॉर श्योर आएगा। हमारा पहला पॉइंट, प्राइसिंग में मैसिव डिफरेंस है OnePlus बजट वर्सेस OnePlus फ्लैगशिप। मैं OnePlus का मिड रेंज को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मिड रेंज में OnePlus Nord आ गया, OnePlus बजट में OnePlus Nord CE आ गया और फ्लैगशिप में आपको मालूम है OnePlus का नंबर सीरीज आ गया। जो स्मार्टफोन कंपनी 50 से 60,000 का फोन बनाती थी, अब वो 25,000 के कम का फोन बना रही है। फर्क तो फॉर श्योर आएगा। देखो ये तो सही है, जितने लोग OnePlus का महंगे फोन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे प्राइसिंग ज्यादा होने के कारण, अब वो लोग भी OnePlus का फोन यूज कर सकते हैं। लेकिन बेनिफिट इसमें OnePlus का बहुत ही ज्यादा हुआ है। बात करते हैं, देखो OnePlus ना पहले प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए जानी जाती थी और जिनको बस महंगा फोन लेना रहता था वही बस OnePlus का फोन सर्च करता था या यूज करता था या बाय करता था। इन सब चीजों की वजह से OnePlus को एक नई ऑडियंस भी मिल चुकी है। जो लोग 20 से 30,000 के फोन लेते हैं, अब वो लोग भी OnePlus को अच्छे से जानते हैं और पसंद भी करना पसंद करते हैं। मतलब बात हो अगर Nord की या Nord CE की, जो आता है 20 से लेकर 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में, और इसी प्राइस ब्रैकेट में OnePlus को एक नया यूजर बेस मिला। तो बजट और फ्लैगशिप में फर्क बस पैसों का नहीं होता है और बहुत सारी चीजों का है। हमारा अगला डिफरेंस आता है बिल्ड क्वालिटी। देखो जहां पे प्राइसिंग में फर्क हो रहा है वहां पे बिल्ड में तो फॉर श्योर फर्क होगा। OnePlus जहां पे 50,000 का फोन बनाता था, अब वो 25,000 के अंदर का फोन बना रहा है। फॉर श्योर बिल्ड तो आपको सेम दोनों का देखने को नहीं मिल सकता है ना। तो हाँ, वैसे ही कुछ हुआ है। OnePlus के जो बजट फोन्स होते हैं, OnePlus का जो आपको OnePlus Nord CE मिल रहा है वो आपको प्लास्टिक बैग के साथ में आ रहा है, और वैसा ही आपको CE 2 जो आएगा वो भी प्लास्टिक बैग के साथ में आएगा। और मेरे हिसाब से ये कोई खराब बात नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, चाहे बात करें Realme का, Samsung का, इस प्राइसिंग में वो लोग प्लास्टिक बैग देते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनी ग्लास बैग भी देते हैं, बात हो Redmi का जैसे। लेकिन अगर आपको उसमें प्लास्टिक बैग मिल रहा है, प्राइस कम हो रहा है इसलिए मिल रहा है। चाहे कोई भी स्मार्टफोन कंपनी हो, अगर उसे बजट में फोन लॉन्च करना है तो बहुत ही कम जगह होता है जहां पे कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है। अगर उसे कम प्राइसिंग में अच्छा स्पेसिफिकेशन देना है तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग किया जाएगा, और सबसे बड़ा कॉस्ट कटिंग किया जाता है फोन के बिल्ड क्वालिटी से। देखो ग्लास बैक हर कंपनी नहीं दे सकता है सस्ते प्राइसिंग में, ग्लास बैग थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए लोग पॉलीकार्बोनेट बैग की तरफ, प्लास्टिक बैग की तरफ जाते हैं। और आई डोंट थिंक सो ये कुछ खराब चीज है, बहुत सारे कंपनी देते हैं और OnePlus भी दे रहा है, लेकिन अगर ग्लास बैग होता तो बेहतर होता, बाकी मिलता है आपको प्लास्टिक। हमारा अगला पॉइंट, फीचर्स। बहुत सारे ऐसे फीचर है जो आपको OnePlus के Nord CE में नहीं मिलता है, लेकिन वो OnePlus Nord और OnePlus के नंबर सीरीज में मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा चीज है स्टीरियो स्पीकर्स, अगला चीज है अलर्ट स्लाइडर, और ऐसे छोटे छोटे चीज जो आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलता है Nord CE के अंदर है वो हेडफोन जैक है। तगड़ी वाली बात है, उसमें आप ईयरफोन लगा सकते हो 3.5 mm वाला और मस्त लिड में गाना सुनते रहो, और वो आपको Nord के भी अंदर मिलता है। तो बेनिफिट तो है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज भी आपको थोड़ा मोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप OnePlus का फोन पहली बार यूज कर रहे हो तो अलर्ट स्लाइडर से आप रूबरू नहीं होगे, लेकिन अगर आपने OnePlus का फोन पहले यूज किया है तो अलर्ट स्लाइडर आपको बहुत ही ज्यादा मिसिंग लगेगा फोन के अंदर। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो OnePlus के बजट फोन में ना मिसिंग रहता है, जो OnePlus के मिड रेंज या OnePlus के फ्लैगशिप फोन में मिलता है। साथ ही में अपडेट फ्रीक्वेंसी में भी बहुत ही ज्यादा कम होता है OnePlus का बजट स्मार्टफोन, अपडेट भी लेट से आपको देखने को मिलता है। साथ ही में एक और डिफरेंस निकल के आता है जो है कैमरा का डिफरेंस। देखो कैमरा में मैसिव फर्क होता है दोनों फोन के अंदर। OnePlus का बजट फोन अगर अच्छा ही पिक्चर क्लिक करने लगे तो OnePlus का फ्लैगशिप फोन कौन ही परचेस करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि OnePlus का बजट फोन का कैमरा खराब होता है, लेकिन दोनों में बहुत ही फर्क देखने मिलता है। तो देखो सपोज एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज ये आपको OnePlus का Nord CE है और ये मान लो OnePlus का कोई नंबर सीरीज का फोन है, दोनों से सेम पिक्चर क्लिक करो लेकिन इमेज क्वालिटी में फॉर श्योर बहुत ही ज्यादा फर्क होगा। क्यों? क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ही ज्यादा भेदभाव भी किया जाता है। OnePlus का अगर आप कोई एक्सपेंसिव फोन लोगे तो उसका इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छे से होता है और जल्दी होता है,
लेकिन वन प्लस का अगर आप बजट फोन लेते हो ना तो इमेज प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, फोटो क्लिक करने के बाद इमेज प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है, और साथ ही में आपको इमेज का आउटपुट इतना कुछ खास नहीं मिलेगा। मतलब इसके व्यू फाइंडर में देखोगे तो फोटो बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा, दोनों के व्यू फाइंडर में सेम फोटो देखने को मिलेगा, लेकिन फोटो क्लिक करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसमें मैसिव फर्क होता है। तो हाँ, कैमरा में भी आपको फर्क निकल के आएगा अगर बजट फोन और फ्लैगशिप फोन को कंपेयर करोगे। हमारा आखिरी पॉइंट, यूजर एक्सपीरियंस। वन प्लस का चाहे बजट फोन हो, मिड रेंज फोन हो या फ्लैगशिप फोन हो, तीनों में एक ही यूआई और बहुत ही अच्छे से रन करता है, जो है ऑक्सीजन ओएस। अगर आप देखो एमआई यूआई को, जो मी यूआई है, एक रेडमी के फोन में और एक शॉमी के फोन में, दोनों में बहुत ही फर्क देखने को मिलेगा। रेडमी के फोन में ज्यादा एड्स आते हैं, शॉमी के फोन में इतने एड्स नहीं आते हैं। जो एमआई सीरीज का फोन होता है उसमें इतने एड्स नहीं मिलते हैं, इतने ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलते हैं एज कम्पेयर टू रेडमी के फोन। लेकिन यहाँ पे वन प्लस ऐसा भेदभाव नहीं करता है। वन प्लस का आप महंगा फोन लो या वन प्लस का आप सस्ता फोन लो, ब्लॉटवेयर्स एड्स कुछ भी नहीं मिलेंगे, जो सबसे क्रेजी बात है। तो अगर आपको एक क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस लेना है तो वन प्लस का आप सस्ते फोन को भी लेके एक्सपीरियंस ले सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन इसका एक गुड पॉइंट तो है, लेकिन इसका एक बैड पॉइंट भी है। ऑक्सीजन ओएस इतना क्लीन है, इतना अच्छा है, अच्छे खासे प्रोसेसर के साथ में ये अच्छा से पैचअप कर सकता है। और ये तो आपको मालूम होगा, वन प्लस के जितने भी बजट फोन्स होते हैं ना, उसमें भी आपको ऑक्सीजन ओएस मिलता है, अच्छा खासा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है ना, वो फ्लैगशिप प्रोसेसर में अच्छे से कंबाइन होकर रन कर सकता है। लेकिन बजट फोन्स के अंदर आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देना तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो इतने अच्छे से कोप अप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वन प्लस के बजट फोन्स में जो आपको ऑक्सीजन ओएस मिलता है वो इतना ज्यादा फ्लूइडली आपको रन नहीं करता है, और हल्का फुल्का आपको जिटरनेस, हल्का फुल्का लैग देखने को मिलता है। जैसा एक्सपीरियंस आपको फ्लैगशिप फोन से मिलता है वन प्लस का, वैसा एक्सपीरियंस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वन प्लस के बजट फोन्स के अंदर, वैसा नहीं मिलता है, लेकिन वो क्लीननेस और वो ब्लॉट फ्री एक्सपीरियंस जरूर आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स निकल के आते हैं, और ये सब पॉइंट्स ना डिफरेंशिएट कर देते हैं वन प्लस बजट वर्सेस वन प्लस फ्लैगशिप फोन्स के अंदर। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके बताना, और इसके अलावा और कोई पॉइंट्स है आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो में थोड़ा मजा आया हो, आज बहुत ज्यादा रिसर्च हो गया है, तो एक लाइक करके आप अप्रिशिएट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे तगड़े वाले वीडियोस रोजाना देखना चाहते हो। तो गाइस, फिलहाल की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाइव। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, अब तो फिर डिले कर दे रहा है भाई, मेरे को फर्क पता चल रहा है, डिले हो रहा है, मेरा एक्सप्रेशन में डिले हो जाएगा।